जी, मेरा नाम मीर मीसम अली है और ऊपर पल्ली पे हमारी प्रॉपर्टी है। मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। ये प्रॉपर्टी का प्लान है, तो हमारी प्रॉपर्टी जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड से 25 फीट कॉमन रोड है। हमारे पीछे की प्रॉपर्टी वाले वहाँ पे एक मेन रोड के ऊपर गेट डाल दे रहे, जिससे हमारे को प्रॉब्लम हो रही। से पूरे शॉप्स इससे ब्लॉक। पूरे हमारे जितने शॉप्स हैं ग्राउंड फ्लोर के, वो पूरे ब्लॉक हो जा रहे। तो वो लोग दीवार भी उठा दिए थे हमारे प्रॉपर्टी के ऑपोजिट में। हम लोग पुलिस कंप्लेन करे, हम और हमारे नेबर मिलके, जिसकी वजह से बल्दिया वाले सुबह में आके आज दीवार तोड़ के चले गए। तो ये आप लोग के कितने शॉप से और आप लोग की प्रॉपर्टी यहाँ पर कितने साल से है? हमारे 4 शॉप से सर, छः शॉप। 6 शॉप से कितने साल से प्रॉपर्टी? हमारी मोर देन 15 ईयर्स से। मोर देन 15 ईयर्स। जी तो आप कोई से आप ये जो गेट डालने का प्लान चल रहा था, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? हमारा मेन जो रोड है वो ब्लॉक हो जाती सर। हमारा जो मेन शॉप पूरे शॉप वालों के लिए आने वालों के का जो लिए रास्ता एंट्रेंस, बंद हो जाता। और हमेशा से क्या है कि शॉप पे ऑलरेडी यहाँ पे है भाई, नेबर्स का भी है, हम खुद उनको सपोर्ट करते, बट ये शॉप वालों का रास्ता वहाँ से नहीं है, सामने से है बोल के हमेशा ऑब्जेक्शन करते। और ये जो है ऑलरेडी बल्दिया का जो प्लान है उसमें 25 फीट रोड कॉमन रोड है बोलकर है, और कुछ दिन पहले बल्दिया से ही यहाँ पे सीमेंट रोड गली, माशाल्लाह रोड गली सब नॉर्मल चल रहा था। चल रहा और रोड पे कब्जा करने का जब बात चल रही, तो जी ये कौन लोग हैं? सब, ये पीछे हैप्पी होम गार्डन बोल के है, जिसकी 25 फीट रोड उनके पेपर में भी है और अपने बल्दिया के प्लान में भी 25 फीट रोड बोलकर है, जिसमें अपने 6 पूरे शॉप्स है वही रोड से पूरे जाना है, 6 शॉपों को भी वही रोड से यूज़ होना है, और अपने अपोजिट में रड्डी अन्ना है, आपका भी रास्ता वही एक ही रास्ता है, 3 लोग का एक ही रास्ता है, 25 फीट रोड है। वो रोड को वो बीच में वो लोग रोड के ऊपर एक वॉल बिठा उठा लिए, 5 फीट की वॉल, जो बल्दिया में कंप्लेंट करे, पुलिस में कंप्लेंट करे, बल्दिया वाले खुद आके पूरा तोड़ दिए, डिमोनिश कर दिए। और मेन अभी आज आज का डेट है, ये बल्दिया का है और पुलिस का कंप्लेंट है, पुलिस को जो कंप्लेंट करे, पुलिस के साथ आके बल्दिया वाले पूरा डिमोनिश करे। और मेन रोड पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा वहाँ पे गेट डाल दे रहे हैं। गेट डालने का मकसद ये है कि सिर्फ ये हमारी प्राइवेट रोड है बोलने का मतलब है, ताकि फिर हमारे जो हम जो कारोबार कर रहे हैं बाजू यहाँ पे, पूरों को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि रोड तो हमारे भी ओनर के पास है, ओनर फिलहाल उन्होंने बेवा है, आ नहीं सकते, तो आपके भतीजे हैं, आप उनके तरफ से पूरी बात करें। और यह पेपर में पूरा मेंशन है कि भाई यहाँ पे 25 फीट रोड है, कॉमन रोड है। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे काम चल रहा है भाई साहब? नहीं साहब, ये रेजिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मेन रोड की बिल्कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी है। हमारे शटर के बिल्कुल सामने हाईवे, ये ब्रिज है, अपना ब्रिज है, ये पिलर नंबर 196 आता है यहाँ पे, ये ब्रिज है, ब्रिज के बिल्कुल सामने मास्टर प्लान होने वाला है, प्लान के हिसाब से ये अपने बिल्डिंग बनी हुई है, 6 मड़गियाँ हैं और ऊपर है, परमिशन के साथ है, बल्दिया का परमिशन के साथ है, और उसमें मेंशन है क्लियर के 25 फीट रोड है बोलकर। पीछे वाले हैप्पी होम गार्डन वाले जो है वो लोग बोलते हैं कि उनके पेपर में है, उनके पास भी रोड ही बोलकर है, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है बोल के हमेशा आके नाजायज़ तकलीफ़ देते हैं। तो इसके बाद वो लोग कुछ है पैसे वैसे वगैरह कुछ पूछते हैं क्या? अब वो साहब से कुछ बात हुई थी रड्डी अन्ना से, तो रड्डी अन्ना को कुछ ऑफर ऊपर करें, बता रहे अन्ना प्लीज़। नियर इकड़ प्लाटू मा नाना 1992 लो 1992 में मेरा पापा खरीद लिए थे, खरीदने के बाद जो 2003 में मैं कंस्ट्रक्शन किया, 2003 में कंस्ट्रक्शन करने के बाद जिसमें रोड था, वो रोड है पीछे डॉक्टर शेफी साहब क्या करे, पीछे अपार्टमेंट बनाया 1998 में, 98 में बना, तो जब भी डॉक्टर शेफी साहब मेरा 12 12 फीट 25 फीट की रोड है पीछे तक, पीछे से भी रोड उन लोगों बंद कर लिए, सामने से अपन क्या करा, रोड नहीं है बोलते, सामने से अपन रोड उसको दिए, सामने से रोड देने के बाद उन लोग आ जाके अपना घर के सामने कमर्शियल शॉप के सामने दिवाला बनते जा रहा। आज कल पूछे तो 4 जनों को लेके आगे, मेरा गुस्सा करा, गुस्सा करे तो मैं नल्ला नहीं चाह रहा हूँ, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, उससे नहीं लड़ सकते बोल के उन लोग बहुत गुस्सा करे, 25 जने 10 जने 20 जने ऊपर ऊपर आके कुछ मारने भी आए थे, मैं कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, सीधा जाके मैं आज जाके पुलिस में कंप्लेंट दिया, पुलिस में दिए तो बल्दिया में कंप्लेंट, बल्दिया में कंप्लेंट दिया, बल्दिया में से मैं एमआरओ में भी कंप्लेंट दे दे के आया, एमआरओ क्या बोला, नाला क्या है ना, पीछे से रोड बनाओ, कहीं को नहीं बना रहा, KTR को दे, उन्हें तो MLA साहब जाके बात करो बोल के वही भी बोलाता हूँ बल्दिया वाला, आज मैं कंप्लेंट देता हूँ, उन लोग आके तोड़ के चले गए थे। म्युनसिपल वाला मैडम के जाके मैं कंप्लेंट दिया, म्युनसिपल वाला पुलिस सब जने आके वाल तोड़ दिया, तोड़ देने के बाद मेरे को पुलिस स्टेशन में बोला, मैं भी पुलिस स्टेशन गया, उसको भी पुलिस स्टेशन लेके आया, पुलिस स्टेशन में बातचीत कर लिया, फिर आ गया वो इसी रिकेवा वाल, मैडम बोला वहाँ कंपाउंड वाल नहीं रहना, निकाल देना, सबका रोड है, वो सबका प्रॉपर्टी है, एक का प्रॉपर्टी नहीं है, रोड रोड खुद सबका है। अब ये जो यहाँ पर फ्रंट साइड पे जो गेट डालने का चल रहा है इनका, हाँ तो गेट से नुकसान क्या है, फायदा क्या है? नुकसान बोले तो जो मेरा कमर्शियल बिल्डिंगों को जो 25 साल से है, सो दुकानों को मेरे को
तकलीफ होता, उन्होंने गेटर कम्युनिकेशन के लिए होशियारी कर लेके प्लाट से पैसे ले लेके मेरे को भी ऑफर करके, मेरे को मेरा प्लाट है अन्ना, उसमें एक प्लाट मैं खरीद लिया 6 लाख में, मैं 13 लाख में बेचना चाह रहा हूँ, आपको क्या, आपको मेरा क्या पैसे देते हो? बोले गेटर कम्युनिकेशन में बेच लेता हूँ, आपको तकलीफ ना होता ना बोल के बोल रहे थे उन्होंने। पीछे से गेट से भी परमानेंट हिल्स कमान से भी रोड था, रोड है इस वक्त क्या बोला उन्होंने प्रेसिडेंट साहब आके, अन्ना वो वॉल बन लेता हूँ, उधर से आदमी आना मेरे अपार्टमेंट को डिस्टर्बेंस हो रहा, वो बन लेता हूँ अन्ना बोलते, मेरे कहीं को पूछ रहा आपके हिसाब से आप बन लो बोल के, मैं मुँह से बोला, मुँह से बोलो तो उन लोगों बन लिया, बन लेके यहाँ के अन्ना इधर भी बना तुम बोलते हो नक्को कहीं को बन रहे बोलते, नहीं बन लेके फिर निकाल देता हूँ ना, मेरे थोड़ा पैसा दे बोल के प्रेसिडेंट मेरे को बोला, मैं नहीं देता, मैं कितना बोला मेरे 50,000 रुपये पूछा, 50,000 नहीं दे तुम बोलते, 20,000 देने को भी मैं राजी हो गया। गौस गौस परमा रेड गार्डन्स का प्रेसिडेंट, उसका मामा, उन्होंने दोनों आके मेरे को बहुत गुस्सा करके बहुत वो ये करके चले गए थे, आज पुलिस के सामने भी मेरा गालियाँ दिया। तो आप अब पुलिस और जीएचएम से क्या चाह रहे हैं? मेरे को रोड ही चाहिए, वो रोड चाहिए ना, वालगिल कुछ भी नहीं बना, सब चलने के रोड है, वो प्राइवेट रोड किसी के भी नहीं है, पब्लिक का रोड है, वो पब्लिक का रोड, मैं सीसी रोड डलवा लिया, मेरे को यहाँ धर्मरेड्डी साहब रोड डलवा दिया, मैं यहाँ तक वाल दो तरफ वाल बना लेता हूँ, मेरा गेटर कम्युनिकेशन होता, बोलकर उन लोगों वो काम से उन लोगों थोड़ा पहले पीछे कर लिया, अभी आगे बनने आ रहा, पीछे का वाल तोड़ दिया तो दुनिया में आने जाने में सबको रोड हो गया, तो कोई बनने वाला नहीं रहते, उसलिए बोल के मैं MRO में कंप्लेंट दिया है, नाला के रोड है, नाले के ऊपर सब जने गवर्नमेंट क्या बोल रहा रोड डालो बोल के बोल रहा है, रोड ही डालो बोल रहा हूँ मैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना, आज नहीं तो कल इधर गेटर रोड डिमार्शल होने वाला है, रोड बढ़ाना चाह रहे, रोड सबके लिए बड़ा चाहिए, म्यूनसिपल वाले भी मेजरमेंट दे दिया, मैपों में भी दे दिया, सबके लिए चलने के लिए रोड रहे तो सबको अच्छा है, आप सामने आके गेट बना दिए तो सबको तकलीफ होता, वो खुला करना है, रोड का मसला खत्म कर दो, सबको सालू कर दो, मेरा बहुत अच्छा है ये कर दिए तो, सबको अच्छा है, मेरे से भी सबको अच्छा है, मैं रहना ऊपरपल्ली में रहता हूँ, यहाँ किराएदार रहते हैं, गरीब आज 2 दिन से खाली कर दे के चले गए, यहाँ खाली करके भी चले गए, वो सब सतारा बोल के, सबके लिए रोड रहे तो अच्छा है वो।